नरेश चौहान, ये फतेहपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों ये जो नरेश जी हैं, एक ऐसे कलाकार साथ जो बजाने वाला आसपास कोई नहीं हो, एक ही कलाकार हो तो कितनी अच्छी बात है वो। तो चलिए उनसे मिलते हैं और कौन सा साथ वो प्ले करते हैं और क्या है उनके अंदर की कला, उनसे पूछेंगे नरेश चौहान से। तो चलिए चलते हैं। तो राम राम जी, नरेश चौहान कैसे हो आप? जो आप एक ये दोस्तों जैसे कि ये रखा हुआ है साज, मैं आपको दिखा रहे हैं, एक टेबल पर रखा हुआ है ये साज बजाते हैं। इस साज का नाम क्या है? इसका नाम क्लारिनेट है, इसका नाम क्लारिनेट सैक्सोफोन। दोस्तों जैसे कि जो सैक्सोफोन के बारे में भी नरेश जी ने बताया है, ये आप पुराने होते हैं प्रोग्राम करते हैं उसमें बजता है, आस पास यहाँ पे बजाने वाला कोई नहीं है, नरेश जी यहाँ के जो एरिया है इसमें बजाने वाले हैं। तो हम पूछते हैं भाई इसका किस तरीके से बजता है, क्या इसका यूज है, किस तरह? तो नरेश जी जो ये साज है जब आप बजाते तो कहाँ यूज होता है ये साज? तो मान लो हरियाणा में भी होता है। अच्छा जी, वेस्टर्न है वैसे साज ये बाहर का है, ये आंगन के लिए ले लिया है, जैसे कोई तो बुला रहे हैं अभी ये डांसर थे, डांसर वगैरह होते हैं, रात में होते हैं उनमें बजता है क्लारिनेट। इसका नाम क्लारिनेट है, तो इसका नाम है सैक्सोफोन, इसके बारे में बताओ। ये वेस्टर्न साज है, ये भी वेस्टर्न है, ये वेस्टर्न है, ये हरियाणा में है, ये तो मान लीजिए वेस्टर्न है। अच्छा जी, तो इसका हमने जैसे कि ये बॉलीवुड फिल्म है, बॉलीवुड उसमें बजता हुआ देखा है। तो चलिए दोस्तों हम नरेश जी से तो कुछ सुनते हैं पहले, फिर उसके बारे में बात करें। तो नरेश जी कुछ सुनाना एक बार इसकी आवाज़ ट्यून हमारे दर्शकों को। इसको बचपन से बजा रहे हो, इसको बात कर रहे हैं बस उसके भी गिरने लग गई है।
चकेली ले आया था उसको। अच्छा जैसे कि अब इसका जो यूज यूजेबल है आप कहाँ पर करते हो, जागरण वगैरह में कि शादी वगैरह में? जागरण में भी, शादी में, पार्टी वगैरह में, इसका कॉलेज वगैरह में चलता रहता है प्रोग्राम। लगभग कितने के महीने में या फिर हफ्ते में कितने प्रोग्राम वगैरह लगते रहते हैं इसके? इनकी बस अब तो कम ही हो रहे हैं, पहले तो इनकी कितने हैं? जैसे कि यहाँ पर फतेहपुर के अंदर बैंड के नाम जो मास्टर है कहीं है, दुकानें भी कहीं हैं, इसकी कितना डिमांड है यहाँ? इसकी तो ऐसे बहुत डिमांड है, इसकी बैंड में नहीं चलता, बैंड में तो चलता है वो, इसकी बात है इसकी डिमांड आपके पास। तो जैसे कि आप हमें पता है कि आसपास से ये जो साथ है बजाने वाला कोई नहीं है, तो आप कितने कहाँ कहाँ तक जाते हो इसको बजाने के लिए, कहाँ तक आपके पास साई आती है इसकी? अच्छा आपके पास इसके बजाने जी बहुत दूर दूर जाते हो जाते हो? तो जैसे कि ये तो हो गया हमारे आउट ऑफ स्टेट हरियाणा से बाहर, हरियाणा ठीक है, तो अब हमको बताइए हरियाणा के अंदर आपका जो प्रोग्राम है कहाँ का लगता है, सिर्फ सिर्फ इसके बारे में बताएं। ये आपके पास हर स्टेट से भी आता है, स्टेट में आता है, स्टेट में जाता है, बाहर से भी आता है। तो इसमें जो स्टेम बजाते हो आप, कित क्या कितने शुरू में बजाना आपने शुरू किया, कि क्या कठिनाई आई आपको, कोई कठिनाई आई? कठिनाई काफ़ी है नहीं, फिर भी कितने कठिनाई आए? जैसे कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई जैसे सपोज कि हम हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं, बजाते हैं जब शुरुआत करें उसमें बहुत सारी कठिनाई आती है, राग सरगम वगैरह कुछ नहीं आता, हम बजाया नहीं जाता, तो आपको कितने कठिनाई आई इसके अंदर? बस रास्ता मिले कि चलो अपनी मेहनत तो है, यानी कि अपने मेहनत की आपने हार नहीं मानी चाहिए, हार नहीं मानी चाहिए। कितने तीखा है अगर हम सीखे? अच्छा आपको लगा जी मेरे को लगा। अच्छा कि गाने का मतलब है कि अगर हम क्लारिनेट बजाएं ठीक है, तो इसको बजाने में कोई दिक्कत नहीं? फोम नोट में बनता है इससे। क्या बनते हैं फोम नोट? वो क्या होता है? बस इसमें मान लो थकता नहीं बनता, इसमें थकता नहीं, बहुत ज़्यादा बजाया बैंड में बजाया वो बजाया। तो जैसे कि हम इसके लगातार बजा सकते हैं साल में, तो मैं लगभग कितनी देर तक बजा सकते हैं उसको? सारे साल बजा सकते हैं। नहीं लगातार कितने घंटे लगातार बजा सकते हैं? जागरण में देख लो पाँच बजे तक बजाया, तीन बजे तक बजाया, वो तो चले गए आठ नौ घंटे दिन के, लगभग आठ नौ घंटे लगातार बजा सकते हो? बच्चों को भी सिखाते हो आपके लिए यहाँ के आस पास कोई आती है डिमांड आपके पास अभी भी मुझे ये सिखाओ मुझे वो सिखाओ? हाँ आती है, बहुत आती है, बहुत अच्छी करेंगे। तो आपने अभी सिखाया भी है किसी को? नहीं अभी तो नहीं सिखाया मैंने, बस पाकिस्तान की तैयारी है। अच्छा सिखाने की तैयारी है, यानी कि अंग्रेजी अब अपना जो टैलेंट है और के अंदर बांटेंगे ठीक है, और ऐसे जो बजाने वाले हैं फिर नाम फिर भूल जाता हूँ, क्या नाम है इसका? इसका सैक्सोफोन बजाने वाले कैथल के अंदर और पैदा होंगे और मास्टर बनेंगे इंद्रेजन जैसे, और कत्तर के कत्तर क्या कत्तर करनाल या आस पास भी कोई शख्स फिल्म बजाने वाला नहीं है, बॉलीवुड सॉन्ग में लगभग ज़्यादातर बजता है, आप सभी ने अगर देखा हो तो चुंडरे के अंदर सिर्फ नरेश जी हैं जो इसको बजाते हैं। तो एक दो सवाल पूछ लेते हैं नरेश जी, जैसे कि आपने बजाना शुरू किया तो पहले बताओ कि जिस टाइम आप इस लाइन में आए इस लाइन में तो घर वालों ने सपोर्ट किया हुआ? तो जैसे कि कमाई सब बंद हो गई लॉकडाउन के अंदर, तो आपकी सिर्फ एक यही कमाई है और नथिंग, इसके अलावा कोई आपका कोई रोजगार नहीं है, तो आपके ऊपर लॉकडाउन के बाद कितना मार पड़े? उसके तो बहुत ज़्यादा मार पड़े, एकदम से आया था लॉकडाउन, अच्छे बात हाँ जी।
यानी कि लॉकडाउन के अंदर सारे प्रोग्राम कैंसिल हो सब प्रोग्राम है, लॉकडाउन की बहुत बुरा असर पड़ा है एकदम से मैं कहता हूं कुछ कुछ आया ऑनलाइन प्रोग्राम का भी हो गया सब ऑनलाइन कैसे ऑनलाइन कैसे लगा अपने जी का अच्छे से अच्छा प्लान लिस्ट है अच्छा अच्छा सर बढ़िया तो नरेश जी तो सिर्फ ये बता दो आखिरी क्वेश्चन की जिसकी जो क्वालिटी है ये कैसी है क्वालिटी इसके अंदर जो ये प्योर स्टील का है या फिर तांबे का ये पता के इतना है इसमें तो आप तो मिक्स हो अच्छा चलिए बोल रहे जी जी दांतों में फर्क हो है दांतों में फर्क चलो दोस्तों जैसे कि हमने आपको नरेश से बात कराई है हमारे आसपास के एक ही कलाकार है ये क्या नाम है इसका नाम सैक्सो फिल्म जाने वाले ठीक है तो सभी से ये दरख्वास्त है कि हमारे नरेश चौहान जी को जो भाई हमारे जो सैक्सो फिल्म जाते हैं सभी भाई को सपोर्ट करें।